प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रसार बतला रहे हैं। ये आपको सूत्रों की तरह याद कर लेना चाहिए और इनका गणित में बहुत ही उपयोग है। तो देखिए, आज का है आपको हम 6 प्रसार बतला रहे हैं। इन सभी प्रसारों के अंतर्गत एक विशेषता ये है कि इसमें x की वैल्यू जो होती है, x का मान जो होता है वो 1 से कम होता है। दूसरी बात, ये प्रसार सभी जो हैं वो अनंत पदों तक जाते हैं। अब आप प्रसार देख लीजिए, ये पहला प्रसार है 1 + x^-1। तब इसका प्रसार जो होगा 1 − x + x^2 + x^4 − x^5 और ये अनंत पदों तक चली जाएगी प्लस माइनस करके। दूसरा प्रसार देखिए आप, 1 + x^-2। इसका प्रसार होता है 1 − 2x + 3x^2 − 4x^3 + और ये प्लस माइनस करके श्रेणी जो है वो अनंत तक चली जाएगी, अनंत पदों तक। और तीसरा प्रसार है 1 − x^-3। इसका प्रसार होता है 1 − 3x + 6x^2 − 10x^3 + और ये अनंत पदों तक चली जाती है। प्लस माइनस में क्रमानुसार पद आते रहते हैं। अब अगला प्रसार देखिए, 1 − x^-1। इसका प्रसार होता है 1 + x + x^2 + x^3 + x^4 इसी श्रेणी के अंदर सभी पद जो हैं वो प्लस में आते हैं और ये श्रेणी भी अनंत तक जाती है। अगला देखिए, 1 − x^-2। इसका प्रसार होता है 1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 और प्लस, फिर इस प्रकार से इस श्रेणी के अंतर्गत भी सभी पद प्लस के आते हैं और ये श्रेणी भी अनंत तक जाती है। दूसरी बात, अगला देखिए, 1 − x^-3। इसका प्रसार होता है 1 + 3x + 6x^2 + 10x^3 + और इस तरह से इस श्रेणी के अंदर भी सभी पद प्लस में होते हैं और ये श्रेणी भी अनंत तक जाती है। अब एक बात विशेष आप ध्यान रखिए, जैसे कि इसका जो प्रसार है 1 + x^-1 और 1 − x^-1, तो जब ये दोनों चिन्ह अलग अलग चिन्ह के हैं, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तब पद जो है वो प्लस माइनस में आ रहे हैं। और ये दोनों पद अगर माइनस के हैं तो ये सभी पद जो है वो प्लस में आ रहे हैं। श्रेणी में मान जो है वो बिल्कुल बराबर है। इसमें भी एक आया है पहला पद, इसमें भी एक आया है, इसमें भी x आया है, इसमें भी x आया है, इसमें भी x^2 आई है, इसमें भी x^2 आई है। क्लियर? तो इसी प्रकार से इस श्रेणी के अंतर्गत देखिए आप, 1 + x^-2 और 1 − x^-2, इसमें माइनस है यहाँ प्लस है, ये दोनों निशान अलग अलग हैं, तो इस श्रेणी के अंदर जो पद आए हैं वो प्लस माइनस में आए हैं, लेकिन इस श्रेणी के अंदर जो पद आए हैं वो सभी पद प्लस में आए हैं। यहाँ पर x के साथ या x^2 के साथ या x^3 के साथ या x^4 के साथ जो गुणांक आए हैं वो दोनों श्रेणी में बिल्कुल एक से हैं। यहाँ पर भी x का 2 आया है, यहाँ पर भी x का गुणांक 2 है, यहाँ पर x^2 का गुणांक 3 है, यहाँ पर भी x^2 का गुणांक 3 है। बस केवल अंतर यह है कि इसमें माइनस प्लस में चलती है श्रेणी, इसमें सभी पद प्लस में आते हैं। अब इसी प्रकार से इसमें तो इसमें जो है 1 + x^-3 और 1 − x^-3, इसमें ये प्लस माइनस अलग अलग चिन्ह है तो ये श्रेणी जो है प्लस माइनस में चलेगी, और इसमें दोनों चिन्ह एक से हैं माइनस के हैं, इसलिए श्रेणी जो है प्लस की चलेगी, सभी पद प्लस के होंगे। लेकिन x के साथ या x^2 के साथ या x^3 के साथ या x^4 के साथ जो गुणांक होंगे
वे गुणांक जो है वो समान होंगे। यहाँ पर भी तीन है, यहाँ पर भी तीन है, यहाँ पर भी छह है, यहाँ पर भी छह है, यहाँ पर भी दस है, यहाँ पर भी दस है। या आप ये कह सकते हैं गुणांक क्रमानुसार प्लस माइनस में होते चले जाते हैं। इसका गुणांक आप माइनस तीन मान लीजिए, इसका प्लस तीन मान लीजिए, इसका प्लस छह मान लीजिए, इसका प्लस छह मान लीजिए, इसका माइनस दस मान लीजिए, इसका माइनस दस मान लीजिए। तो चाहे आप किसी प्रकार से समझ लीजिए बात के लिए, गुणांक का संख्यात्मक मान बराबर होता है, लेकिन अगर दोनों के चिन्ह अलग अलग है घातांक के और एक्स के, तो ये श्रेणी चलती है प्लस माइनस में, और अगर दोनों के चिन्ह एक से हैं तो श्रेणी चलती है प्लस में। श्रेणी के अंदर एक्स के, एक्स स्क्वायर के आपके जो गुणांक होते हैं वे गुणांक बिल्कुल बराबर होते हैं। इस श्रेणी को याद करना बहुत आसान है, आप इन श्रेणियों को याद कर लीजिए, इन प्रसारों के लिए बहुत उपयोगी है। आज मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ, अगली बार आपको कोई नया प्रश्न, नए सिद्धांत, नए नियम बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।